हाँ जी, क्या हाल है? आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या डाल दिया तूने स्टार्ट में। तो मैंने अपनी लाइफ के पूरे 3 दिन लगा के एनिमेशन के नाम पे सिर्फ यही बनाया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एसर नाइट्रो 5, जो कि मैंने अभी अभी खरीदा है। 2-3 दिन से उसे मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने उसकी एक सिनेमेटिक वीडियो बनाने का ट्राई किया है, सो पहले आप वो देख लो। हाँ तो कैसा है उसके ऊपर टिप्पणियाँ दे दो अपनी अपनी फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अब ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, फटाफट से बात करते हैं अपने लैपटॉप की। ये लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, इसका मॉडल नेम है नाइट्रो 5 एंड ये अंडर 60,000 की रेंज में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप भी है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये आता है राइजन 5 5600H के साथ। इसमें हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है 1650 का, 8GB रैम 512GB SSD के साथ ये आता है एंड इसकी रैम हम 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें हम 1TB तक HDD और SSD एक्सपेंड कर सकते हैं। अदर ब्रांड्स भी इस प्राइस पॉइंट पर सेम स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, बट कुछ डिफरेंस इसे जो है बेस्ट और अलग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लुक देख लीजिए, जो कि आपको एक परफेक्ट गेमिंग फील देगा एंड सेकंड वन ब्राइटनेस, जो कि आपको 300 नीट्स का देखने को मिलता है एंड इस प्राइस पॉइंट पर जितने भी दूसरे लैपटॉप्स आते हैं उनमें आपको 250 नीट्स का ही देखने को मिलेगा। और थर्ड, जिसकी वजह से मैंने इसे ख़रीदा है, इस प्राइस पॉइंट पर सिर्फ ये अकेला है जो RGB बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है। बाकी जितने भी अदर लैपटॉप्स है उनमें आपको नॉर्मल बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलेगा। सो मैंने पर्सनली इसे इसी वजह से ख़रीदा है। एंड नाउ व्हाई यू शुड बाय दिस लैपटॉप, फर्स्ट इसका लुक जो कि आपको परफेक्ट गेमिंग फील देगा एंड सेकंड इसका RGB बैकलिट कीबोर्ड जो कि इस प्राइस पॉइंट पर कहीं और नहीं मिलेगा एंड थर्ड इसका ब्राइटनेस जो कि इस प्राइस पॉइंट पर कोई दूसरा लैपटॉप नहीं देता है। एंड अगर आपको कोडिंग के लिए नॉर्मल गेमिंग के लिए चाहिए तो ये बेस्ट। मैंने इसे कॉलेज के लिए ही परचेस किया है, जहां मेरा डे टू डे टास्क भी हो जाएगा, कोडिंग भी हो जाएंगी एंड मैं गेमिंग भी करता हूं, तो इसमें मेरी अच्छी खासी गेमिंग भी हो जाएगी। ये मुझे इस प्राइस पॉइंट पर बेस्ट लैपटॉप लगा एंड पर्सनली इसका लुक एंड जो इसका बैकलिट कीबोर्ड है उसी वजह से मैंने इसे ख़रीदा है। एंड इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो कि मैंने भी देखे, इसी वजह से मैंने इसे परचेस किया है। नाउ दिस बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड नॉर्मल गेमिंग। इससे ज़्यादा बकबक मैं नहीं कर सकता और इससे ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो और भी हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे, सीखेंगे और बनाएंगे और आपको भी सिखाएंगे।